हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और रेडॉक्स को रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, तो रेडॉक्स के रिवीजन में हम लोग बात कर रहे थे अभी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स और उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर पर बात कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने नॉर्मल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर्स पर बात कर लिया था और हम लोगों को साथ में अब बात करनी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर के बाद बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस के बारे में। तो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी रेडॉक्स से रिलेटेड हमारे पास रिमेनिंग है। तो कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर कॉम्प्लेक्स की, हम लोग कॉम्प्लेक्स के कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर पर बात करते हैं, ठीक है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स लिया मैंने आपके लिए CrH2O whole 4, Cl2 और चार्जेस Cl+, Cl2 के बाद चार्जेस 1+, यहां पे 1+ चार्ज भी है, देयर इज 1+ चार्ज, ओके। तो नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम हियर? तो देखिए, वाटर इज द न्यूट्रल लिगेंड, वाटर क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, इट्स चार्ज नंबर इज जेरो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जेरो है। तो क्या हो जाएगा, X+4 × 0, बिकॉज 4 वाटर इज हियर एंड द चार्ज ऑफ क्लोरीन इज -1, तो 2 क्लोरीन है तो कितना हो जाएगा, 2- इक्वल टू द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स कितना है, +1, ओके। नाउ तो कितना हो गया, X इक्वल टू ये -2 उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2+ और 1+, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3+, तो आंसर इज द 3+। तो चार्ज ऑफ क्रोमियम और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 3+, ठीक है। अगले कॉम्प्लेक्स पर बात करते हैं, CuEn2SO4। देखिए अब ये कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन पर मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन आपके जो बच्चे हमारे प्लस टू वाले हैं, जो 12th क्लास के बच्चे हैं, उनको ध्यान रखना है, दिस यूनिट इज इन्वॉल्व इन द प्लस टू सिलेबस, ये प्लस टू सिलेबस का भी यूनिट है, तो वहां पर आपको इनके ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी जब आप उनके नेमिंग करोगे, जब आप कॉम्प्लेक्स का नाम करोगे ना, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस पर हमने सोचा कि जब ऑक्सीडेशन नंबर आ ही रहा है तो इस पे भी काम कर लेते हैं। अब देखो, इथाइलीन डाइअमाइन, EN इज कॉल्ड इथाइलीन डाइअमाइन, और इथाइलीन डाइअमाइन लिगेंड को हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथाइलीन डाइअमाइन, ओके। तो इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड, EN इज द न्यूट्रल लिगेंड, तो क्या हो जाएगा, X+2 × 0, 2 इथाइलीन डाइअमाइन है, इट्स चार्ज इज 0, सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0, ओके। और एक सल्फेट का चार्ज कितना होता है, 2-, द चार्ज ऑफ सल्फेट इज -2 इक्वल टू 0, कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज है नहीं, तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2, X इक्वल टू ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो कैसा हो गया, +2 हो जाएगा, तो चार्ज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज +2। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ चार्जेस, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर इन द कॉम्प्लेक्सेस, इस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। अगला कॉम्प्लेक्स लेते हैं आपके लिए CrOX whole thrice 3-, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स इज कंटेनिंग लीगेंड OX, तो OX इज द इंडिकेशन ऑफ ऑक्सालेट, OS किसका इंडिकेशन है, ऑक्सालेट का इंडिकेशन है, और क्या से लिख सकते हैं इसको, C2O4 2-, ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए C2O4 2-, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ऑक्सालेट इन द कॉम्प्लेक्स, ये किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सालेट का एक्सप्लेनेशन है, ऑक्सालेट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है।
तो ऑक्सालेट, अब कितने ऑक्सालेट, थ्री ऑक्सालेट है यहां पे, OX ऑल्थ्राइस, ईच ऑक्सालेट हैविंग टू माइनस चार्ज, सभी ऑक्सालेट में दो माइनस चार्ज हैं, तो नाउ इट इज X माइनस सिक्स. वाई इट इज माइनस सिक्स, बिकॉज ईच ऑक्सालेट मॉलिक्यूल, ईच ऑक्सालेट आयन हैव टू नेगेटिव चार्ज, और तीन है इसलिए छह हो गया, तो X माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस थ्री. तो नाउ X इक्वल टू माइनस थ्री, और ये इधर से आएगा तो प्लस हो जाएगा, X इक्वल टू प्लस थ्री. तो हियर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन ट्राइऑक्सालेट आयन इज, क्रोमियम ट्राइऑक्सालेट आयन इज प्लस थ्री. तो क्रोमियम ट्राइऑक्सालेट आयन के अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज प्लस थ्री. ठीक है, तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. देखो ग्लाइसिनेट, एक लिगेंड है ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट NH2 CH2 COO माइनस, दिस इज ग्लाइसिनेट. ओके ग्लाइसिनेट NH2 CH2 COH, तो ग्लाइसिन जो है अमाइनो एसिड है उसका एक पार्ट बचा हुआ है, तो दिस इज द लिगेंड, ये ग्लाइसिनेट लिगेंड है, ग्लाइसिनेट. चार्ज कैसा है, माइनस वन, एक पोल इसका न्यूट्रल है, तो बाय डेंटेट यहां पे भी एक पेयर है लेकिन चार्ज देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस वन. अब अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया CuGl by whole twice, CuGl by whole twice में आपको चार्ज चाहिए किसका, कॉपर का, यू नीड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर हियर, CuGl by whole twice. तो द ग्लाइसिनेट हैविंग वन नेगेटिव चार्ज, ग्लाइसिनेट के पास एक नेगेटिव चार्ज है, X माइनस टू इक्वल टू जीरो, सो X इक्वल टू प्लस टू. तो दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. तो अभी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना अब आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको अब नहीं होने वाली है. अब आगे बात करते हैं और कुछ कंपाउंड्स को चेक करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने कहा C6H12O6 में ग्लूकोज में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, C6H12O6, C6H12O6. ओके, तो C6H12O6 ग्लूकोज में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. तो दिस इज 6x प्लस 12 ऑक्सीजन का चार्ज, माइनस 2, 6 ऑक्सीजन है तो माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 6x इक्वल टू कितना बचेगा, प्लस 12 माइनस 12 0. ठीक है, तो चार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज, कार्बन ग्लूकोज के कार्बन एटम का चार्ज कितना आएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है, देयर द चार्ज नंबर इज 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन केस ऑफ ग्लूकोज सुगर, इन सब केसेस में कितने आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे चार्ज. ठीक है, वन टाइम क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल कार्बन एटम, ऑल कार्बन एटम, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल कार्बन एटम ऑफ बेंजल्डिहाइड C6H5CHO. बेंजल्डिहाइड फॉर्मूला इज C6H5CHO, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड. फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल कार्बन एटम ऑफ बेंजल्डिहाइड, मतलब 6x की वैल्यू यहां पे आपको फाइंड आउट करनी है. ओके, तो ऑल कार्बन एटम ऑफ बेंजल्डिहाइड, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल कार्बन एटम ऑफ बेंजल्डिहाइड. So, देखते हैं हाउ मेनी कार्बन एटम इन बेंजल्डिहाइड, सेवन कार्बन एटम इन बेंजल्डिहाइड, तो दिस इज 7x. व्हाट इज अबाउट द हाइड्रोजन, 5 एंड 1 6, तो दिस इज प्लस 6. व्हाट इज अबाउट द ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन इज हियर माइनस 2, तो 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7x, 7x इक्वल टू
दिस इज माइनस टू और ये आया इधर से, तो ये अच्छा इधर ही तो है दोनों, है ना, तो ये जाएगा तो प्लस टू माइनस फोर, तो सेवन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस फोर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस फोर बाय सेवन, है ना। तो दिस इज अ चार्ज ऑफ ऑल कार्बन एटम ऑफ बेंजल्डिहाइड, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो वो मुझे याद आया तो मैंने कहा आपको बता दें इसको, तो सेवन एक्स इक्वल टू माइनस फोर इज द आंसर। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, Fe3O4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4, Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4, तो देखिए व्हाट हैपेंस, 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो व्हाट हैपेंस, x इक्वल टू 8 बाय 3, तो चार्ज नंबर ऑफ आयरन इज हियर 8 बाय 3, यहां पे कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 8 बाय 3, ओके 8 बाय 3 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज हियर। ओके, अब बात करते हैं Na2S4O6, Na2S4O6 के चार्ज के बारे में, टोटल चार्ज कितना होगा, और अगर इंडिविजुअली कहीं कहीं पर स्ट्रिक्स के थ्रू अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछते हैं तब कितना होगा, तो इसका मतलब है देयर इज चैलेंज ऑफ मेकिंग स्ट्रक्चर, यहां पर आपको स्ट्रक्चर इसका बनाना पड़ेगा Na2SO4 का, तो कैसा होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए चलिए स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, एस Na2SO4, Na2SO4 एक दो तीन चार, ओके दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Na2SO4, Na2SO4 का ये स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ध्यान रखना है Na2SO4, ओके तो Na2SO4 का स्ट्रक्चर देखे, ये दो जो बीच वाले सल्फर हैं, दिस टू सल्फर वेयर सल्फर सल्फर लिंकिंग इज देयर, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो हियर, मैं इसको मिटा देता हूं नहीं तो वो ऑक्सीजन जैसा अपीयरेंस में आ जाएगा, है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बीच वाले दो सल्फर का, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे कितना है जीरो। ठीक, चलो इधर से देखो, अब एक सल्फर दो सल्फर तीन सल्फर और चार सल्फर, तो ये जो दो मिड सल्फर हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, सेल्फ कंबाइंड एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, तो जीरो ऑक्सीडेशन नंबर वाले आपके पास दो सल्फर हैं, और बाकी जो दो सल्फर है उनका चार्ज आपको मिलेगा, लेकिन टोटल देखिए यहां पे ऑक्साइड लिंकेज है तो टू माइनस टू माइनस टू माइनस और टू माइनस, और ये हो जाएगा आपका वन माइनस और ये भी आपका वन माइनस, तो एक सल्फर पर अगर चार्ज काउंट करना है तो दो दो चार और एक ये पांच, ठीक है, और इधर भी दो दो चार और ये एक पांच। ठीक, अब टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, तो टोटल सल्फर आपके पास कितने हैं, टोटल सल्फर है आपके पास चार, और टोटल पॉजिटिव चार्ज आपके पास कितने हैं दो, टू सोडियम इज हियर, तो दो सोडियम का दो प्लस प्लस फोर एक्स, हाउ मेनी ऑक्सीजन इज देयर, टोटल ऑक्सीजन Na2S4O6, सिक्स ऑक्सीजन इज हियर, तो अगर कंबाइन करते हैं तो माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, तो एक्स फोर एक्स इक्वल टू वॉट टेन एंड एक्स इक्वल टू वॉट टू पॉइंट फाइव इज द चार्ज ऑफ सल्फर इन Na2S4O6, तो Na2S4O6 में सल्फर का चार्ज कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, और दो दो सल्फर इसके जिसमें मैंने स्ट्रक्स यूज किया है उनके ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे जीरो भी होंगे, ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी स्ट्रक्चर से डायरेक्ट भी पूछते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ सल्फर एंड कंबाइंड ऑक्सीडेशन नंबर इज हियर 2.5, 2.5 यहां पर कंबाइंड ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, अब बात करते हैं अगले अगले फॉर्मेट पर, नेक्स्ट
नेक्स्ट फॉर्मूले पर बात करते हैं. द नेक्स्ट फॉर्मूला इज C3O2 के डिफरेंट आइटम्स पर चार्ज चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे क्या चाहिए, C3O2 का स्ट्रक्चर चाहिए कि C3O2 का स्ट्रक्चर कैसा बना होगा. C3O2 ओके. तो C3O2 के स्ट्रक्चर पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C3O2. इट मीन समझ में आ रहा है कुछ. अगर ये सेंट्रल कार्बन की हम बात करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, जीरो. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल और स्ट्रिक्स कार्बन इज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू जीरो. स्ट्रिक्स कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो और बाकी दोनों का -2 -2 आएगा, है ना, +2 +2 आएगा. ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट ऑक्सी लिंकेज है, कोई चेंज है नहीं यहां पे, ठीक है. तो चलो अब सॉल्व करके देखते हैं. तो 3x -4 = 0. तो x इक्वल टू कितना, ओवरऑल अगर चार्ज चाहिए होगा तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4/3. तो 1.33 इज द आंसर, 1.33 इज द आंसर, 4/3, ठीक है. अगला नेक्स्ट मॉलिक्यूल, मतलब मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी ऐसा एग्जांपल ना हो जो मैंने आपको नहीं करवाया हो या नहीं बताया हो, ठीक है. BR3O8, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट लास्ट ईयर 2019 का क्वेश्चन है ये, और मैंने इस क्वेश्चन को क्रैश में ही करवा दिया था. तो वहां से BR3O8 के स्ट्रक्चर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो BR3O8 और वो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पूछा, मिड कार्बन का ऑक्सीडेशन पूछा था, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, है ना. नीट 19 का क्वेश्चन है BR3O8. तो देखिए BR3O8, तो ये हुआ BR3, दिस इज BR3, और O8 का अरेंजमेंट एक ब्रोमीन मैक्सिमम 7 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, ठीक है ना. तो BR3O8 2 2 4 2 6, और ये लिंकिंग बराबर है ना, 2 और ये 2 और 2 4 और 2 6, और ये इसके बाद कॉर्नर वाले के साथ 2 2 4 और ये 2 6, ओके. तो एक साथ, तो मिड वाले का थोड़ा सा डिफर करेगा, ओके. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BR3O8. तो BR3O8 ऑक्साइड लिंकेज है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब ईच ऑक्सीजन इज -2 चार्ज, ईच ऑक्सीजन इज -2 चार्ज. तो दिस ब्रोमीन इज +6. अब यहां पे देखो ब्रोमीन ब्रोमीन, तो यहां से तो ये इन दोनों का कोई चार्ज रहेगा नहीं. टू माइनस, तो कितना हो जाएगा, 4+. तो 1 ब्रोमीन, सेंटर ब्रोमीन इज 4+ चार्ज, है ना. सेंटर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर, ब्रोमीन की बात करेंगे तो 4+ और 4-, तो वो ओवरऑल कितना पहुंच जाएगा, फिर से 4+ चार्ज पे रहेगा, ठीक है ना, ओवरऑल 0 पे आ जाएगा. और ये दोनों आ जाएंगे आपके 2-2-2-, तो ये आ जाएगा फिर से 6+ पर, +6, ओके. तो दिस इज द चार्ज ऑफ डिफरेंट ब्रोमीन, एक ब्रोमीन बीच वाला जो है वो +4 पर है, और बाकी दोनों कॉर्नर ब्रोमीन +6 पर है. अब ओवरऑल जब चार्ज चाहिए होगा तो नाउ 3 ब्रोमीन इज देयर, तो 3x, हाउ मेनी ऑक्सीजन इज हियर, 8 ऑक्सीजन, 3x - 16 = 0. तो यार x = 16/3 इज द चार्ज ऑफ डिफरेंट ब्रोमीन. तो x = 16/3 इज ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन द BR3O8. तो BR3O8 का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है. अब बात करते हैं सम एक्सेप्शनल केसेस. तो एक्सेप्शनल केसेस पर बात करेंगे अब. एक्सेप्शनल एग्जांपल्स,
एक्सेप्शनल एग्जांपल्स, और जिसमें कैलकुलेट करने पर वैल्यू कुछ और आएगी, आंसर कुछ और होगा, ठीक है। तो दिस इज द एक्सेप्शनल केसेस। तो हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शनल केसेस के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। और पहला जो एक्सेप्शनल केस हम स्टडी करेंगे वो है H2SO5। इट इज कॉल्ड कैरोज एसिड भी इसको बोलते हैं, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और कैरोज एसिड। ओके, तो कैरोज एसिड के ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करते हैं, कैलकुलेशन पे पहले देखते हैं कितना हो जाएगा। 2+X -10=0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये H2SO5। तो 2+X, तो x इक्वल टू आ जाएगा +8, x इक्वल टू आ जाएगा +8, है ना। और अब हमको देखो क्या ध्यान रखना पड़ेगा यहां पे, दिस इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। कारण क्यों इनकरेक्ट है, सही तो लग रहा है कैलकुलेशन करने पर, बट सल्फर के बैलेंस सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सल्फर के बैलेंस सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है, एंड एनी एटम कैन नॉट एक्सचेंज मोर देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कोई भी एटम अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं कर सकता है। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर इज 6, ठीक है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +8 संभव नहीं है, ठीक। मतलब ये बात ध्यान रखना है कि अगर ऑस्मियम रूथेनियम और ज़ैनॉन के अलावा कोई मेंबर +8 या उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, 8 या उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, तो इट मींस इट इज इनकरेक्ट। इसका मतलब है कि ये इनकरेक्ट होगा, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, देन चेक द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तब उसके बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को हम चेक करेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस सेल, उसके बैलेंस सेल में फाइनली इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि मैक्सिमम वो उतने ही इलेक्ट्रॉन चेंज एक्सचेंज कर सकता है जितने उसके बैलेंस सेल में होंगे, ठीक। तो नाउ द ऑक्सीडेशन नंबर इज हियर क्लियर 6। सल्फर के पास बैलेंस सेल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, देखिए सल्फर 16, इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन द बैलेंस सेल, सो सल्फर कैन नॉट एक्सचेंज मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 ऑक्सीडेशन का तो कोई चांस ही नहीं है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO5 हियर, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO5, ठीक है। कैरोज एसिड, द वन ऑक्सीजन एटम इज नॉट लिंक्ड विद सल्फर, ठीक है। तो -1 -1 कितना हो गया, -2 -2 कितना हो गया, -4 और -6, सो x इक्वल टू +6 इज द चार्ज ऑफ सल्फर। लेकिन फिर भी आपको इसको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जितने एक्सेप्शनल केसेस हैं उन सबको आपको स्पेशली ध्यान रखना है, अदरवाइज वो रॉन्ग होने ही होने हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। H2SO5 कैरोज एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। नेक्स्ट, अगले स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, CrO5। नेक्स्ट कंपाउंड इज CrO5, पर क्रोमेट ब्लू CrO5, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5, नेम इज द परक्रोमेट एंड कलर इज द ब्लू, सो इट इज कॉल्ड परक्रोमेट ब्लू। और परक्रोमेट ब्लू जो है वो बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है, इट इज अ बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई के जैसी संरचना वाला यौगिक है ये, बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बार बार आएगा ये, ठीक है। तो दिस इज अबाउट बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर परक्रोमेट ब्लू। नाउ देखो, दो ऑक्सीजन जिसमें, जैसे हम H2O2 की जब बात करोगे आप, तो देखो जरा ध्यान से, H2O2
तो जहां पे दो ऑक्सीजन एक दूसरे से लिंक होते हैं वहां पे चार्ज होता है माइनस वन, जिसको कहते हैं परोक्सीलिंकेज। तो देयर इज माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन एंड हियर इज माइनस टू। ठीक है, तो परोक्सीलिंकेज में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होता है और ऑक्सीलिंकेज में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू होता है। तो टोटल आपके पास एक चार्ज वाले ऑक्सीजन माइनस वन वाले कहते हैं चार और प्लस माइनस टू वाला कितना है एक, तो टोटल चार्ज माइनस कितना हो गया सिक्स, एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस सिक्स। और अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे CrO5 तो नाउ एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, अगर हर ऑक्सीजन को आप ऑक्सीलिंकेज पे लोगे तो माइनस टू, एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, तो नाउ एक्स इक्वल टू प्लस टेन, तो दिस इज रॉन्ग। कैलकुलेशन पर प्लस टेन आएगा लेकिन वो रॉन्ग है, कारण सभी ऑक्सी लिंकेज नहीं है CrO5 के स्ट्रक्चर में, देयर इज नॉट ऑल ऑक्सी लिंकेज इन स्ट्रक्चर ऑफ CrO5। CrO5 के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सभी ऑक्सी लिंकेज नहीं है, देयर इज परोक्सी लिंकेज एंड ऑक्सी लिंकेज, तो फोर परोक्सी लिंकेज इज देयर, सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज सिक्स। और क्रोमियम के बैलेंस सेल में भी 4s1 3d5 द बैलेंस सेल ऑफ क्रोमियम। ओके, तो नाउ सिक्स इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल ऑफ क्रोमियम, तो वो भी एक तरीका यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CrO5, इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। द फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2 कैल्सियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्सियम ऑक्सी क्लोराइड इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो नाउ यू नीड द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्सियम ऑक्सी क्लोराइड, हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्सियम ऑक्सी क्लोराइड। वन ऑक्सीजन वन क्लोरीन इज डायरेक्टली कनेक्ट विद कैल्सियम, तो दिस इज नेगेटिव वन चार्ज, और यहां पे ऑक्सीजन नेगेटिव और क्लोरीन कैसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्सियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्सियम ऑक्सी क्लोराइड। हियर इज वन क्लोरीन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर क्लोरीन इज नेगेटिव चार्ज। तो हमको क्या ध्यान रखना है, इन केस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर द चार्ज ऑफ क्लोरीन इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन, एक क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है। ब्लीचिंग पाउडर में वन क्लोरीन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर क्लोरीन इज द नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये हमने बात किया ब्लीचिंग पाउडर के ऑक्सीडेशन के बारे में, तो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, वंस डिस्कशन इज ऑल्सो आस्क्ड, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोथ द नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन की इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन नंबर हमको कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, अमोनियम नाइट्रेट, तो दिस इज आयोनिक कंपाउंड, सो हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर NH4 प्लस एंड NO3 माइनस, तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हियर NH4 प्लस एंड NO3 माइनस, सो इट इज x प्लस 4 इक्वल टू प्लस 1, सो हियर इट इज x इक्वल टू माइनस 3 एंड x माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1, सो हियर x इक्वल टू प्लस 5। तो इन केस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट देयर इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज माइनस 3 एंड प्लस 5। तो अमोनियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 और माइनस 5 दोनों, सॉरी माइनस 3 और प्लस 5 दोनों होंगे, बोथ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज हियर। ओके, तो अमोनियम नाइट्रेट, अब देखो जैसे
मैंने आपको एक बात बताया था, ऑस्मियम, ज़ैनॉन, ये सब प्लस 8 तक ऑक्सीडेशन नंबर को कैरी करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना। इनके अलावा अगर कोई मेंबर प्लस 8 ऑक्सीडेशन नंबर पर पहुंच रहा है या उससे ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है एग्जाम्पल सॉल्व करने पर, तो आपको ध्यान रखना है कि वो रॉन्ग होगा। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को चेक करेंगे, देन चेक द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने कहा ऑस्मियम OSO4 XeO4, तो चेक कर लीजिए यहां पे आपको ऑस्मियम में मिल जाएगा 8, तो X माइनस 8 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू प्लस 8, ऑस्मियम प्लस 8 शो करता है। ज़ैनॉन X माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यार X इक्वल टू प्लस 8। ज़ैनॉन, ऑस्मियम और रूथेनियम, ये तीन ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 8 तक जाता है। इनके अलावा कोई भी एलिमेंट प्लस 8 ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आ रहा है किसी का प्लस 8, तो आपको क्या ध्यान रखना है, उसके बैलेंस सेल के टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, उससे ज्यादा आंसर वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं कर सकता है। तो दिस इज अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमने बात किया ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन के बारे में, ठीक है। तो इट इज अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड्स। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, हाउ टू इक्वेशन इज बैलेंस। तो देखो यहां पर रेडॉक्स इक्वेशन के बैलेंसिंग की हम बात करेंगे, और इसमें से मैं उस मेथड को यूज करूंगा बैलेंस करने के लिए जिससे मुझे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हुआ, कौन एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ, कौन एलिमेंट रिड्यूस हुआ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज, क्योंकि हमें फैराडे नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें फैराडे नंबर्स को निकालने के लिए जरूरत पड़ती है इस बात को पता करने की कि कितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हुआ या कितने इक्वलेंट्स चेंज हुए हैं, ठीक है। तो मैं उस मेथड को यूज करूंगा बैलेंसिंग के लिए जिससे मेरे सभी पर्पज सॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो चलिए बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, और हम जिस मेथड को यूज करेंगे दिस इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या कहते हैं उसको, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, अब किसी इक्वेशन से स्टार्ट करता हूं मैं। जैसे मैंने देखो एक इक्वेशन लिखा SnCl2 प्लस FeCl3, वेरी सिंपल, हर सबसे सिंपल वाला SnCl4 प्लस FeCl2। नाउ मेरे पास एक इक्वेशन है, अब मुझे इसको ये देखना है कि दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड आर नॉट, ये इक्वेशन बैलेंस हुआ है कि नहीं बैलेंस हुआ है, दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन और नॉट अ बैलेंस इक्वेशन। तो देखो जब भी आपको ये, पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है मैं आपको ये बताऊं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है SnCl2 प्लस FeCl3 इज कन्वर्टिंग टू SnCl4 प्लस FeCl2, ये हमारा इक्वेशन था, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये ध्यान रखना है कि वो इक्वेशन इट्सेल्फ बैलेंस तो नहीं है। तो पहला काम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि उसके सभी कंपोनेंट्स, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के सभी कंपोनेंट्स बराबर तो नहीं है। देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं पहले, कि बैलेंसिंग आसान तो है, कर तो सकते हैं हम, है ना, कर तो लेंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बैलेंसिंग का, मैं आपको सिखा भी दूंगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बैलेंसिंग नहीं आएगी। क्वेश्चन बना लेना अलग बात है, क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखने हैं वो आप देख लोगे, ठीक है। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देख लिए तो आप ये भी देख लोगे कौन रिड्यूस हुआ कौन ऑक्सीडाइज हुआ, और क्वेश्चन तो आप बना लोगे, लेकिन अगर पूरी अच्छे से बैलेंसिंग सीखना है तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको 5 इक्वेशन बैलेंस करना सिखाऊंगा तो 5 आपको अलग से भी करना है, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। नाउ देखे SnCl2, तो देखिये यहां पे एक Sn है, यहां पे भी एक Sn है, यहां पे एक आयरन है, यहां पे भी एक आयरन है, बट 2 और 3 5 क्लोरीन है इस साइड, 5 क्लोरीन इज हियर एंड नाउ हियर 6 क्लोरीन, तो कंटेंट अलग अलग है, वहां पे 6 क्लोरीन है राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर 5 ही क्लोरीन है। इट मींस दिस इज नॉट अ बैलेंस इक्वेशन, ये एक बैलेंस इक्वेशन नहीं है। देन
हाउ टू बी ट्राई, कैसे ट्राई करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ आयन्स, पहले समीकरण को आयन के रूप में लिखेंगे. इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ आयन्स, तो फर्स्ट क्या करना है, राइट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ आयन्स, पूरे इक्वेशन को आयन्स के फॉर्म में लिखना है. तो देखो आयन्स कैसे बनाऊंगा मैं, द चार्ज ऑफ क्लोरीन इज माइनस वन, ये तो हमको पता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना हमने सीख लिया है. तो क्लोरीन का चार्ज कैसा है, माइनस वन है, द चार्ज ऑफ क्लोरीन इज माइनस वन. तो यहां पे कितने क्लोरीन जुड़े, दो क्लोरीन जुड़े, इट मींस दो माइनस चार्ज. तो एसएन का चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस टू, तो चार्ज ऑफ एसएन इज टू प्लस स्टेनस. नाउ द चार्ज ऑफ आयरन इज थ्री प्लस, हियर लेफ्ट हैंड साइड का जो आयरन है इसका चार्ज कितना है, थ्री प्लस है, क्योंकि वो तीन क्लोरीन से जुड़ा हुआ है और चार्ज ऑफ ईच क्लोरीन इज माइनस वन, सो द चार्ज ऑफ आयरन इज प्लस थ्री. ओके नाउ नेक्स्ट एसएन फोर प्लस चार्ज है क्योंकि वो चार क्लोरीन से जुड़ा हुआ है एंड ईच क्लोरीन हैविंग माइनस वन चार्ज, सो द चार्ज ऑफ टिन इज हियर प्लस फोर स्टेनिक. एंड नाउ द चार्ज ऑफ आयरन इज हियर आयरन टू प्लस. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या काम करना है, राइट द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ आयन्स. सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या रिडक्शन ऑक्सीडेशन कुछ भी कह सकते हैं ना, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो अगला स्टेप हमको क्या करना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन स्टेप को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है, अगली बात फिर हम क्या करते हैं, जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आइडेंटिफाई हो जाता है तो चेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को चेक करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, बाय मल्टीप्लाइंग अप्रोप्रिएट डिजिट उपयुक्त संख्या से गुणा करके, बाय मल्टीप्लाइंग अप्रोप्रिएट डिजिट बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय मल्टीप्लाइंग अप्रोप्रिएट डिजिट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बोथ साइड, दोनों साइड आपको इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेने हैं, दोनों साइड आपको बराबर बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन लेने हैं मल्टीप्लाई करके. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे कंपोनेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा. ठीक है, तो दोनों साइड इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर बराबर करना है, और जब इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल हो जाएंगे तो हमको क्या काम करना है, उसको क्रॉस कर देना है, मतलब कैंसिल कर देना है, और इक्वेशन को दोबारा से लिख देना है, चार्ज को काउंट करके दोबारा से लिख देना है. काउंट द चार्ज ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड, इफ द चार्जेस आर द सेम, अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के चार्ज सेम है तो वो इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन होगा. सो एक बार फिर से क्या काम करना है, राइट द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ आयन्स, अभिक्रिया को आयनों के रूप में लिखना है, राइट द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ आयन्स. सेकेंड पॉइंट पर क्या काम करना है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेप को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टेप एंड चेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन की संख्या के विनिमय को देखना है, बाय मल्टीप्लाइंग अप्रोप्रिएट डिजिट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड, और अभिक्रिया को उपयुक्त अंकों से गुणा करके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को या कंपोनेंट्स को बराबर करना है, देन क्रॉस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज और कैंसिल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज एंड
राइट द रिएक्शन वंस अगेन, और इलेक्ट्रॉन के नंबर को, दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन के नंबर जब बराबर हो जाएंगे तो उसको कैंसिल करके रिएक्शन को एक बार फिर से लिखना है. इफ द नंबर ऑफ चार्जेस आर सेम, अगर आवेशों की संख्या बराबर होगी, नंबर ऑफ चार्जेस आर सेम, देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. अगर आवेशों की संख्या बराबर होगी तो समीकरण संतुलित माना जाएगा. ओके, अब फिर से हम इक्वेशन को दोबारा से एलोबरेट करते हैं और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो जब सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे कैन इजिली सॉल्व और बैलेंस द इक्वेशन, है ना. और थोड़ी प्रैक्टिस आपको इस पे जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बैलेंसिंग सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके, अब देखो SnCl2 FeCl3, तो हमने पहला काम हमारा क्या है, इक्वेशन को आयंस के फॉर्म में लिखना, ठीक है. जब आप बैलेंस करने लगोगे ना तो एक मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, फटाफट सब पता चल जाएगा कहां क्या करना है, लेकिन शुरुआती दौर में धीरे धीरे काम करना है, ठीक है. और ये क्लास 12th का जो सिलेबस है उसमें प्लस 2 के सिलेबस में बैलेंसिंग का पोर्शन भी है, डी ब्लॉक एलिमेंट में उस पर क्वेश्चन आता है, तो ऐसे लाइटली भी नहीं लेना है इसको. Sn2 प्लस, Fe3 प्लस, नाउ इट इज Sn4 प्लस एंड Fe2 प्लस. ओके, तो ये हुआ आपका पहला स्टेप. इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आयंस के फॉर्म में चेंज किया. अब देखो Sn2 प्लस से Sn4 प्लस पे जा रहा है, Sn2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Sn4 प्लस. Sn2 प्लस का कन्वर्जन कहां पे हो रहा है, Sn4 प्लस में हो रहा है. तो दिस इज ऑक्सीडेशन. इंक्रीज इन चार्ज नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. चार्ज नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन है. तो मैं अब ऐसा लिखूंगा ऑक्सीडेशन स्टेप. ऑक्सीडेशन स्टेप में क्या काम हो रहा है, Sn2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Sn4 प्लस. हाउ इट इज पॉसिबल व्हेन अ स्पीसीज कन्वर्टेड इनटू प्लस 2 टू प्लस 4 चार्ज, बाय लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, बाय लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स. तो Sn प्लस 2 इज कन्वर्टेड इनटू Sn4 प्लस बाय लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स. तो जब आप सीख जाओगे तो आप एक ही स्टेप में सब लिख दोगे. हाँ, Sn2 प्लस Sn4 प्लस में जाएगा कैसे, बाय लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो हियर इट इज क्लियर नाउ. अब व्हाट हैपेंस इन द रिडक्शन स्टेप, तो रिडक्शन स्टेप में क्या हो रहा है इसको देखते हैं. रिडक्शन स्टेप, ओके, नाउ आयरन 3 प्लस इज कन्वर्टिंग टू आयरन 2 प्लस. आयरन 3 प्लस का कन्वर्जन हो रहा है आयरन 2 प्लस में. हाउ इट इज पॉसिबल व्हेन आयरन 3 प्लस टेक्स वन इलेक्ट्रॉन देन इट इज कन्वर्टेड इनटू आयरन 2 प्लस. तो जब आयरन 3 प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तब वो आयरन 2 प्लस में जा सकता है. अब यहां पे काम क्या करना है ये देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेप में दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, दो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए और इसने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं. अगर ये दोनों गेन नहीं करेगा तो वो दोनों देगा किसको, क्योंकि दो ही तो मेंबर है, ठीक है. तो इट मींस द इक्वेशन टू टेक्स टू इलेक्ट्रॉन. अब इसको फिर हमें अप्रोप्रिएट डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, इक्वेशन टू को. तो इक्वेशन टू इज मल्टीप्लाइड बाय टू. इक्वेशन टू को क्या करना पड़ेगा मुझे, इक्वेशन टू इज मल्टीप्लाइड बाय टू. इक्वेशन टू को हमको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं. तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसने एक ही लिया और उसने दो, फिर दूसरा का आया गया कहां, पॉसिबल ही नहीं. तो इसने दो लिए होंगे तो इसको क्या करेंगे हम, दो से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इक्वेशन टू इज मल्टीप्लाइड बाय टू. नाउ इट इज टू एफ ई थ्री प्लस, टू एफ ई थ्री प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स टू एफ ई टू प्लस, टू एफ ई टू प्लस. तो देखो अब दो का गेन और दो का लॉस, यही मेन काम है इसमें, गेन और लॉस बराबर. तो इसको कैंसिल मार देंगे, गेन और लॉस बराबर मतलब कैंसिल, गेन और लॉस बराबर. नाउ एड अप बोथ द इक्वेशन, Sn2 प्लस Sn2 प्लस 2 आयरन 3 प्लस इज कन्वर्टेड इन टू Sn4 प्लस, Sn4 प्लस प्लस 2 आयरन 2 प्लस. एंड नाउ काउंट द चार्ज ऑफ बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड. अब दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के चार्ज को काउंट करना है. तो देखो फिर से एक बार बात कर लेते हैं, Sn प्लस 2 से Sn प्लस 4 पर आया, इट इज ऑक्सीडेशन. इट इज पॉसिबल बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हियर इज द लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन. ओके, नाउ
In the reduction step, iron 3 plus is converted into iron 2 plus. How it is possible? It is possible by taking one electron. तो iron 3 plus ने एक electron लिया तो iron 2 plus पे पहुंच गया. अब इसने दो electron loss किए थे और यहां भी आपको दो electron gain होना चाहिए था. So how it is equalized? So by multiplying 2. एक को दो करना है तो कैसे करोगे? दो से multiply कर देंगे. Now दो से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया? 2Fe3 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2Fe प्लस 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया. अब 2 का लॉस और 2 का गेन, तो गेन और लॉस को कैंसिल कर दिया. एंड वंस राइट इक्वेशन अगेन इन फॉर्म ऑफ आयंस. एक बार फिर से उस रिएक्शन को मैंने आयंस के फॉर्म में लिखा. ओके, जैसा अब बन गया है मल्टीप्लाई करने के बाद. ओके, 2Fe3 प्लस और 2SN2 प्लस, तो 2 3 6, 6 प्लस 2, 8 पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पर है. देयर इज 8 पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ इन राइट हैंड साइड 2 इंटू 2, 4, 4 प्लस 4, 8, 8 पॉजिटिव चार्ज ऑन द राइट साइड. तो नाउ इट इज अ बैलेंस इक्वेशन. द चार्जेस आर सेम फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड. तो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. तो ये एक संतुलित समीकरण है. नाउ SnCl2 प्लस 2FeCl3 इज गिव SnCl4 प्लस 2FeCl2. एंड नाउ यू कैन काउंट योर कंटेंट. आप कंटेंट भी काउंट करके देख सकते हो. ठीक है, एक SN, एक SN, दो आयरन, दो आयरन, दो और दो तीन छह, 2 3 6 प्लस 2, 8 क्लोरीन, 4 प्लस 2 इंटू 2, 4, 8 क्लोरीन. नाउ ऑल द contents are balanced. So this is a balanced equation. Okay, commandos, in the next lecture we are going to balance some more equation. Or aapko balancing of equation par practice karna hai. This is the important phenomena. Ab baki dekho, yahan pe aapko aasani se baat pata chal rahi. SN plus 2, so plus 4, it means tin is oxidized, iron is reduced, tin oxidized hua to kisne karwaya hoga, electron kisne liya, iron ne liya. तो आयरन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मींस टिन इज द रिड्यूसिंग एजेंट. तो हमारा तो सब काम हो गया ना, पता चल गया हमको. कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो क्वेश्चंस कोई सॉल्व करना है ना. तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज, हाउ मेनी फेराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड. तो एक दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन मींस 2 फेराडे चार्ज. एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फेराडे चार्ज कंज्यूम होता है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट the questions related with the in the competitive exams with this balancing of equation. Okay, now in the next lecture we are going to balance some more equations and then start karenge uske baad fir electrochemical series. Okay condos, thank you.